2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैंने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपडेट करेंगे आपको उसका अपडेट तुरंत पहुँच जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कल के प्रश्न को। कल का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, योगा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस बार योगा दिवस की विषय वस्तु योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ऑप्शन सी सही हो जाता है। किस मेट्रो ने अपने एक स्टेशन का नाम LGBTQ समुदाय से संबंधित रखा है? तो नोएडा मेट्रो ने अपने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है उसका नाम आपका सीमैन मेट्रो स्टेशन रख दिया है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही जाता है। H-1B वीज़ा किस देश से संबंधित है? ये USA का वीज़ा होता है जो प्रवासी नागरिकों के लिए होता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो हमारा समाचार पत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्म्ड फोर्सेज गिवन फ्री हैंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एट LAC। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो विक्ट्री डे परेड के लिए रशिया में जा रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है रशिया में, विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ, जिसके उपलक्ष्य में विक्ट्री डे परेड का वहाँ पर आयोजन होगा। तो अभी वहाँ पर वो राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो उसके पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विस के जो चीफ थे उन्होंने अटेंड किया। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है हम अपनी आर्मी को LAC की सिचुएशंस को डील करने के लिए पूरा खुला हाथ दे रहे हैं, खुला छूट दे रहे हैं, जो उनकी जो उनको उचित लगे वैसा वो निर्णय ले सकते हैं, ये बात इसमें बताई गई। और तो क्या कहा गया है, US टॉकिंग टू इंडिया एंड चाइना ट्रंप। तो ट्रंप ने बोला है कि US जो है इंडिया और चाइना दोनों से बात कर रहा है सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हालांकि हम बार बार कहते हैं हमको किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, हम अपने मामलों को स्वयं सक्षम है सुलझाने के लिए, लेकिन ट्रंप जी की आदत है तो क्या करें। तो अभी ट्रंप ने ऐसा किया है, बोल रहे हैं कि हम US और चाइना और इंडिया दोनों से बात कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन श्रीनगर गन फाइट। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो उसका श्रीनगर क्षेत्र है वहाँ पर जो है गन फाइट में 3 मिलिटेंट्स, 3 आतंकवादियों की मतलब 3 आतंकवादियों को मार दिया गया हमारे जवानों के द्वारा। अगली न्यूज़ है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बैलेट है, बैलेट यानी जो चुनाव का पेपर होता है, उसकी सीक्रेसी यानी कि उसको गोपनीयता जो है उसकी, वही निर्धारित करती है किसी चुनाव के फ्री और फेयर इलेक्शंस है कि नहीं, कोई चुनाव हो वो ईमानदारी से साफ और स्वच्छ है कि नहीं, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं। तो उस जो है बैलेट पेपर की गोपनीयता कितनी उसी से निर्धारित होती है। तो हम पूरा केस जानेंगे। तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था, तो वो उत्तर प्रदेश के एक जिला पंचायत क्षेत्र में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था। तो जो जिला पंचायत सदस्यगण थे उन्होंने वोट देने के बाद अपना वोट दिखाया, मतलब हम शो किया कि हमने किसको वोट दिया है, तो CCTV फुटेज में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई, तो बोला गया ये कि भाई जो है उसमें वादी ने बोला कि देखिए ये तो गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करने के आदेश दिया। उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई बैलेट की गोपनीयता ये निश्चित करती है चुनाव की ये पारदर्शी है कि नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति के वोटर के ऊपर निर्भर करता है, वोटर अगर चाहे तो वो इस गोपनीयता को भंग कर सकता है, यानी वोटर को कोई ऐसा मतलब उसको कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसने किसको वोट दिया है वो ना बताए, वो चाहे तो बता सकता है, हालांकि उसे बताने के लिए फोर्स नहीं कह सकता है। तो अभी निर्णय दिया गया है कि बैलेट की गोपनीयता हालांकि उसकी चुनाव के फ्री और फेयर इलेक्शंस का निर्धारण करता है, लेकिन यदि वो वोटर चाहे तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, वो बैलेट पेपर यानी उसने किसको वोट दिया है ये बता सकता है। तो ये चीज़ हमने देखा है इसमें। अगली जो ट्रैफिक वायलेशंस राइज ऑन एम्प्टी रोड्स, तो दिल्ली की सड़कों पे जो है ट्रैफिक वायलेशंस काफ़ी बढ़ा मिला है। क्यों? क्योंकि देखो लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत कम फोर्सेज लगी हुई हैं और जो है लोग कम से कम है, तो उनको लग रहा है कि लोगों को लगता है कि जो है भाई कोई देख ही नहीं रहा है, जबकि क्या है कि CCTV कैमराज जगह जगह इंस्टॉल्ड हैं, वो CCTV कैमराज की मदद से देख लेता है कौन वायलेट कर रहा है, कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कौन ट्रैफिक लाइट को नहीं मान रहा है, और उनका चालान उनके सीधे घर भेज दिया जाता है। तो इससे लगभग देखा गया कि लगभग 16 लाख चालान इस लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में काटे गए हैं। डेली प्रेजेंट विटनेसेस फर्स्ट COVID-19 डेथ्स, तो दिल्ली की जेल में पहली COVID-19 से मृत्यु हुई है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो जेल में रह रहे हैं वहाँ पर स्थितियाँ वैसे ही सामान्य से काफ़ी बदतर होती हैं, और वहाँ पर इतनी लापरवाह हो तो उतना केयर भी उनको नहीं मिल पाएगी, और अगर वहाँ पर कोविड पेशेंट हो जाता है उसका संक्रमण की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैदी रहते हैं, इसलिए काफ़ी महत्व की न्यूज़ है ये।
अगली न्यूज है नोएडा मेट्रो सीक्स सजेशन ऑन फैसिलिटीज फॉर ट्रांसजेंडर। तो हमने कल बात भी की थी कि जो नोएडा की एक्वा लाइन है उसने एक जो सेक्टर 50 की जो है आपकी सेक्टर 50 के जो मेट्रो स्टेशन है उसको सीमैन स्टेशन नाम से कर दिया है। सीमैन मतलब क्या होता है, ऐसा प्राणी जो पुरुष भी उसके गुण हो जिसके पास महिला के भी गुण हो, यानी वो LGBTQ समुदाय से है। तो अभी जो है नोएडा जो सेक्टर 50 स्टेशन का है उसको उसके लिए सजेशंस मांगा है जो है दिल्ली जो आपका नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने सजेशन माना है कि मांगा है कि भाई हम LGBTQ कम्युनिटी के लिए फेवरेबल स्टेशन बनाने के लिए और कौन कौन सी सुविधाएं मतलब ऐड करें तो अच्छा होगा, उसके लिए सजेशन मांगा है। अब अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये आपको लोकल न्यूज़ है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, सूट फाइल्ड इन पुणे कोर्ट सीकिंग टू ब्रिंग PM केस फंड अंडर RTI। तो पुणे कोर्ट में एक जो है केस फाइल किया गया जिसमें कहा गया है कि भाई जो PM केस फंड है ये जिसमें डोनेशन किया है हम पूरे देशवासियों ने, इसको या तो RTI के अंदर लाया जाए या तो इसको रद्द कर दिया जाए। अगर RTI देखिए, क्योंकि जब इसके खिलाफ RTI मांगी गई थी, RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका एक एक्ट पारित हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी पब्लिक बॉडी है उसको एक निश्चित समयावधि के अंदर यदि कोई जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी उपलब्ध कराए, अन्यथा उसके खिलाफ पेनल्टी लगेगी और जो उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑफिसर अपॉइंट किया रहेगा उसकी सैलरी से पैसा कटेगा ₹250 पर डे जितना लेट होगा। ये चीज़ है। तो PM केस फंड से जब इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो PM केस फंड की अथॉरिटी ने कहा कि भाई ये पब्लिक बॉडी नहीं है इसलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो अब प्रश्न चिन्ह उठा भाई कि जब सारी पब्लिक ने डोनेशन दिया है प्रधानमंत्री के आह्वान पे और ये आपदा के लिए है तो ये पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री के आह्वान पे बॉडी बनी हुई है तो क्यों पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो इसने बोला कि या तो इस याचिका में बोला गया है या तो इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाए, RTI जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके खिलाफ जो है इसको जानकारी दी जाए, अन्यथा इसको कैंसिल किया जाए और जो भी सारे फंड है उसको लोगों को वापस किया जाए। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जब हमारे पास एक ऐसा ही एक फंड और था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो आपका बनाया गया था किसी आपदा के दौरान जो है लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाए डोनेशन ली जाए उसमें, तो एक अलग फंड बनाने की आवश्यकता क्यों बनी। तो ये प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है और पुणे कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है। अगली न्यूज, योगा प्रैक्टिशनर लेस प्रोन टू COVID-19 नायक। तो हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको COVID-19 होने की संभावना कम होगी। क्यों? क्योंकि योगा से हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है और COVID-19 के लिए कोई दवा नहीं है तो बस हम केवल इम्यूनिटी पर डिपेंड होते हैं, तो वो हमने कहा है। तो योगा जो है, एक चीज़ और देख लेंगे, आयुष मिनिस्ट्री क्या है, आयुष मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म है AYUSH, इसका फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक नई मंत्रालय का गठन किया गया जिसे आयुष मंत्रालय कहा गया है। तो योगा हमारा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ही सारे योगा संबंधित कार्यक्रम है होते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था जो कि कल था, और उसकी थीम क्या थी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टेक होल्डर सीक फेज वाइज अनलॉकिंग ऑफ गोवा टूरिज्म। तो जैसे कि आप जानते हैं गोवा की लगभग 40% जो GDP है, गोवा की 40% GDP टूरिज्म पर डिपेंड करती है। तो अभी लॉकडाउन जब हो गया उसके बाद जो है गोवा का भाई टूरिज्म सेक्टर पूरा बंद हो गया था, तो वहाँ के जो होटल्स हैं उनको उन्होंने अपील की भाई कि सारी चीज़ें धीरे धीरे खोली जाए। तो होटल्स को खोलने के लिए तो कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि भाई June 8 से आप होटल्स खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर देखो क्या है, जो वहाँ पर बार्स हैं और बियर बार्स हैं और रेस्टोरेंट हैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं खोली गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। तो होटल के जो भी प्रोसीजर है लगभग बार से और जो है ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें एक मतलब सब कनेक्टिव भी होती हैं। तो जब रेस्टोरेंट और बार नहीं खुले रहेंगे तो होटल सस्टेनेबली रूप से नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई रेस्टोरेंट और बार्स को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि कई होटल्स होते हैं उन्हीं में बार्स भी होते हैं, उनमें बेवरेजेज भी मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ जब उनको नहीं खोला जाएगा तो पूरे होटल नहीं खुल पाएंगे। तो ये चीज़ डिमांड की जा रही है। अभी तक देखिए इन्होंने होटल्स को खोलने का आदेश दे दिया है लेकिन केवल 200 ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, 200 होटल्स के ही एप्लीकेशन आए हैं। तो इससे दिखा जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट को थोड़ा और रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब हम आगे अपनी अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ है NGT फाइंस ऑन कर्नाटका ओवर पॉल्यूशन इन लेक। तो NGT क्या है, NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण।
ये क्या कार्य करती है, पर्यावरण संबंधी मामलों पर जो भी कोई अगर विवाद होता है तो एनजीटी उस पर सुनवाई करती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पॉल्यूशन कर रही है, किसी जल जो भी कोई झील है उस पर प्रदूषण कर रही है, फिर अपना कचरा उस झील में फेंक रही है और वो झील पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कोई भी व्यक्ति यदि केस फाइल कर चाहे तो वो एनजीटी में केस फाइल कर सकता है। एनजीटी उसके खिलाफ सुनवाई करेगी और इंडस्ट्री को फाइन भी लगा चार्ज कर सकती है। अगर कोई ना चाहे तो वो एनजीटी जो है अपने आप से सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान में भी ले सकती है मामले को बिना किसी के फाइल केस फाइल किए हुए, तो सुओ मोटो भी अपील करने का अधिकार है। एनजीटी का गठन एनजीटी एक्ट 2010 के तहत हुआ था। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल, ए के गोयल। ये चीज़ आपको एनजीटी के संबंध में जानने की आवश्यकता है। अब हम न्यूज़ देखें, क्या है न्यूज़ हमारी है कि अभी जो है कर्नाटका में आपका एक जो झील है उसका पोल्यूशन करने जो कर रहे थे उसकी वजह से 10 लाख रुपए का कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर फाइन है कि भाई आपने पोल्यूशन इसमें होने दिया और आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फाइन लगाया है, तो इनको फाइन करने का भी अधिकार होता है। अगली न्यूज, क्लोजर ऑफ वेल्स में लीड टू मोर ब्लो आउट्स, वार्न ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कई दिन से न्यूज, तो जो असम क्षेत्र है यहाँ पर आपका एक बागजन क्षेत्र हो जाता है। बागजन क्षेत्र में जो डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान के बगल ही है, 2 किलोमीटर वहाँ से डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक गैस का कुआं है जहाँ पे गैस लीक हुई थी और आग लग गई थी, जिसके पश्चात पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ था और 2-3 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। तो अभी उसके बाद जो है आपको PCB जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम है, असम पॉल्यूशन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने आदेश दिया कि भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड को जितने भी आपके गैस के कुएँ सारे के बंद कर दो, सारों को। तो अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि भाई देखो ऐसा है, अगर हम सारे कुओं को बंद कर देंगे तो इससे और भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पानी के नल जैसे नहीं है कि बस टोटी घुमा दिया आपने पानी बंद हो गया, इसमें गैस होती है, पेट्रोलियम होती है, इसमें एक प्रेशर होता है, अगर हम एक साथ सब प्रेशर सबको बंद कर देंगे तो इसका जो प्रेशर है अपवर्ड्स जो ऊपर से प्रेशर आएगा वो वाल्व से उसको सहन नहीं कर पाएंगे और फट जाएंगे, तो इसके बाद ब्लू आउट यानी कई ऐसी घटनाएँ सीरीज में हो सकती हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपील की है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम से कि भाई ऐसा आप आदेश जो दिए हैं इसको वापस ले लीजिए, अन्यथा हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट में जाएंगे, असम का मामला जो भी रहेगा वो किस हाई कोर्ट में सुना जाएगा, ये आप जो है इमेजिन करिए, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ असम का कौन सा हाई कोर्ट है, ये आपको आंसर में बताना है कमेंट बॉक्स में। अगली न्यूज़ है एडिशनल फंड शॉर्ट फॉर जल जीवन मिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जल जीवन मिशन के बारे में, इसमें हमें जानने की आवश्यकता मिलेगी। तो सबसे पहले जानेंगे हम जल जीवन मिशन क्या है। तो जल जीवन मिशन का ये है कि 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से ड्रिंकिंग सप्लाई, जो भी पीने का पानी, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा 2024 में हर घर में। तो हर घर जल इसका उद्देश्य है, 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से सप्लाई का पानी का पीने का सप्लाई किया जाएगा। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। अब हम न्यूज़ देखें क्या है, न्यूज़ में बताया गया है कि लगभग 82,000 करोड़ रुपए जल शक्ति मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से और मांगा है पैसा कि भाई हमको और आवश्यकता है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको जानने की आवश्यकता है, NK सिंह के अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है, ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी आपका जो टैक्स का कलेक्शन होता है सेंटर का, उसका पैसे का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में करती है, और जो राज्यों के बीच में बंटवारा की होती है उसको भी विभिन्न राज्यों के मध्य में करती है। तो ये आपका वित्त आयोग हो गया। तो अब हम देखेंगे अपने मूल न्यूज़ के संबंध में। तो मूल न्यूज़ हमारी क्या है कि 82,000 करोड़ रुपये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जल जीवन मिशन के लिए और मांगा है, 82,000 करोड़ रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका पैसा है, बताया गया है कि पिछले वर्ष 2019-20 में 45% फंडिंग की कमी हुई थी और 2020-21 में भी 32% फंडिंग की लगभग कमी हो रही है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। कुछ सुझाव भी दिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, सुझाव में कहा है कि भाई देखो आप पैसा तो ग्राम पंचायतों को दे देते हो, वो अच्छे से इस पर कदम नहीं उठाते हैं। देखो कोई हम जो है जो हमारी मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि हम कोई स्कीम सुझाव, उस स्कीम के अंदर कोई सुझाव नहीं दे सकते कि भाई आप यहाँ पर ये काम करो, कोई हम नया सुझाव नहीं देने को हमको अधिकार नहीं दिया गया है। और उसके बाद कोई ऐसा
क्राइटेरिया को इंडिकेटर भी नहीं डिफाइन किया गया है कि जो पंचायत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी उनको ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी, जो पंचायत अच्छे से काम नहीं करेगी उनकी फंडिंग कट कर दी जाएगी, तो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया गया है। और उसके बाद बोला गया है कि जो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग से जो भी ग्रांट्स आए, पैसे आई हैं, उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए भी कोई दबाव नहीं बनाया जाता है ग्राम पंचायतों पर, जिससे कि वो अच्छे से पैसे का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय उन्होंने कहा है कि जो पैसा ग्राम पंचायतों को सीधे दे दिया जाता है, उसके बजाय ये पैसा जल शक्ति मिनिस्ट्री को दे दो, हमको दे दो, और हम इसको जो पंचायतें अच्छा काम करेंगी उनके काम के आधार पर हम पैसा का बंटवारा करेंगे। तो ये इन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन फिर इसमें एक प्रश्न उठ जाता है कि पंचायतों का आखिर उद्देश्य क्या था। पंचायत का उद्देश्य था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि सारी स्कीम हम केवल सेंटर से बना के राज्यों पे या छोटे छोटे लोगों पे थोप नहीं देंगे अपने नागरिकों पे, बल्कि पंचायत का उदय ही इसीलिए हुआ था कि लोगों को विकास में सहभागिता दी जाए, उसको पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स जिसका उद्देश्य था पंचायत का। लेकिन अगर हम जो है सीधे सीधे भाई इसको, ये तो थोपना हुआ ना कि पैसा जल शक्ति मिनिस्ट्री देगी, आप इतना काम करो इतना मिलेगा, तो ये आपका रिवर्स, ये सेंट्रलाइजेशन के फिर से तो आपका केंद्रीकरण होने लगेगा। तो इसके लिए इस पॉइंट की आलोचना भी की जाती है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। हैदराबाद फर्म्स गेट DGCI नॉट फॉर जेनरिक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर क्या है? ये आपकी COVID-19 की ट्रीटमेंट के लिए एक दवा है। इसको अभी जो है DGCI के मतलब आदेश मिला है कि आप इसको कॉमर्शियल इसका यूज कर सकते हो। कोवीफोर नाम ब्रांड नाम से दवा बेची जाएगी, रेमडेसिविर। तो देखिए कई दवाएं हैं जो चर्चा में रहती हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गई, रेमडेसिविर हो गई, डेक्सामेथासोन हो गई, फ्लैरीपाइविर हो गई। ये सारी दवाएं COVID-19 से रिलेटेड है, तो आप पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़, 74% भोपाल COVID-19 डेथ्स वेयर ऑफ गैस ट्रेजडी सर्वाइवर्स। तो बताया जा रहा है इसमें कि जो भोपाल में डेथ्स हुई हैं COVID-19 की वजह से, उनमें लगभग 74% लोग, उन लोगों की मृत्यु हुई है जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के विक्टिम्स थे। तो अब हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानेंगे। तो 1984 की बात है कि वहाँ पर भोपाल में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। उस कंपनी में एक गैस का लीक हुआ था, मेथिल आइसोसाइनेट MIC गैस का लीक हुआ था, जिस गैस की वजह से हजारों लोग मर गए थे और आसपास के लाखों लोग उस गैस से प्रभावित हुए थे। और आज भी वहां के लोग विकलांग हैं, उनके जीन्स में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। तो अभी वहां भोपाल में ऐसे जो लोग हैं उनमें जो COVID-19 प्रभावित लोग हैं, तो COVID-19 में एक खासियत और है कि जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं वो रिकवरी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखिए एक चीज़ और देखा गया है कि जो भोपाल में लोग मरे हैं COVID-19 से, उनमें 74% ऐसे लोग हैं जो 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ हमने न्यूज़ देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको रिलेट करके आपको मेंस में भी लिख सकते हैं और आपको प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। अब हम अगली इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। मधेसीज अपोज न्यू नेपाल रूल। तो मधेसी ने नेपाल के नए कानूनों का विरोध किया है। तो मधेसी कौन है और नेपाल का नया कानून क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो देखिए जो नेपाल हमारा है, हमारा पड़ोसी देश है, तो इसमें जो ये मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके मध्य में जो थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र रहता है उसमें जो लोग रहते हैं उनको मधेसी कहा जाता है। और मधेसियों का इंडिया से क्या जुड़ा हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे। तो मधेसियों के घर से इंडिया के में मैरिटल रिलेशंस होते हैं, यानी कि वहाँ पर शादियाँ, भारत के लोगों से शादियों का विवाह होता है, यहाँ पे यहाँ की लड़कियाँ वहाँ से विवाह होता है, वहाँ की लड़कियों का यहाँ से विवाह होता है, यानी वैवाहिक संबंध होते हैं भारत और नेपाल के बीच में, खासकर मधेसियों के लिए। तो अभी नेपाल की पार्लियामेंट ने एक नया रूल लाने का प्रस्ताव किया, जिसमें कहा है कि कोई लड़की अगर दूसरे देश की लड़की की शादी किसी नेपाली व्यक्ति से होती है तो 7 वर्ष तक उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसको वेटिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो ये देखा गया है। देखिए मुख्यतः जो दूसरे देश से शादियां होती हैं मधेसियों की शादियां होती हैं, तो ये एक तरह से मधेसियों के खिलाफ जो है एक भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसको मधेसी इसको अपोज करेंगे। तो देखिए 2015 में जो लॉकडाउन हुआ था वहाँ पे एक मतलब ब्रेकडाउन हो गया था, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो भारत सरकार की तरफ से सप्लाई रोक दी गई थी, जिसमें मधेसियों के मतलब मधेसियों को अच्छे से राइट्स मिल सके नए कानून के लिए। इसलिए तो नेपाल सरकार हमेशा कहती है कि मधेसियों को इंडिया सपोर्ट करती है और नेपाल की सॉवरेनिटी को हमला करती है। तो मधेसी इंडिया से काफ़ी रिलेटेड है, ये चीज़ आपको जानना है। और अभी क्या हुआ है, जो लॉ लाया है मधेसियों के लिए भेदभाव के रूप में है और मधेसी इसको अपोज करेंगे, ये हमने न्यूज़ जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड में।
अब एक इंटरव्यू छपा हुआ है हमारे जो पुराने इंडियन अम्बेसडर है चाइना में, जो राजदूत थे, उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कैसे भारत चीन के रिश्ते में कैसे बदलाव आया है। तो अभी बता रहे हैं कि इनसे पहले पूछा गया कि अभी तक जो है आपने जितना काम किया है, ये 15 जून के बाद जो घटना हुई जिसमें 20 जवान भारत के मारे गए, उसके बाद आपको क्या लगता है कितना बदलाव आएगा। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, अब हमने ऐसी कोई घटना कभी नहीं उम्मीद की थी। अब तो जाहिर सी बात है कि ये पहले नॉर्मल जैसी स्थितियाँ नहीं होंगी। तो ये बता रहे हैं कि 1993 में एक जो पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और जो है इंडिया और उसके बीच चाइना के बीच में, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, BPTA एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें कहा गया था भाई कि देखो, एक दूसरे से हम शांति से कोई भी मामला है, जो पंचशील सिद्धांत को ही मानक बना के इसको, ये भी एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें कहा गया था कोई भी अगर सीमा विवाद होता है तो हम शांति से मामले को निपटाएंगे। तो लेकिन अब जो है, जो 15 जून को घटना, जो भी एक गलत काम किया चाइना ने, इन्होंने हिंसक रास्ते का उपाय किया, ये इससे रिश्ते बहुत ही बिगड़ने वाले हैं। अब इनसे पूछा गया अगला प्रश्न कि भाई अब वास्तविक क्या कदम हैं जो वास्तविकता में उठाए जा सकते हैं, या वास्तविक कदम क्या हो सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं इंडिया को अब अपनी मिलिट्री पावर को शो करना चाहिए, मिलिट्री को बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट रोल अपनाना चाहिए कि हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। मिलिट्री को हमें दिखा देना चाहिए कि हमारी मिलिट्री में दम है। लेकिन उसके साथ ही मिलिट्री से ये भी बताते हैं कि मिलिट्री पावर से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है, अल्टीमेट सोल्यूशन हमारा डिस्कशन से ही निकलता है। तो ये बोल रहे हैं मिलिट्री को बिल्कुल ढील दिए हुए बिना उसके साथ ही हमको डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी डिस्कशन भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हल निकलने वाला है। और ये बता रहे हैं कि जो चाइना है, इसके रिश्ते बिगड़े हैं क्योंकि चाइना बार बार हमारे एग्रीमेंट्स जो हमारे चाइना बीच में है उसका उल्लंघन करता रहा है। और क्या कारण है कि ये LAC की जो सीमा है अपनी तरफ से यूनिलैटरली चेंज करना चाहता है, यानी अपने मन से सीमा को जो है इंडिया की तरफ दबाना चाहता है। और क्या बात है कि जो हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जान गई है 1962 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सैनिक की जान गई है चीन सीमा पर। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इससे भारत चीन सीमा के रिश्ते में काफ़ी समस्या आई है। तो ये बता रहे हैं कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये एक जो है मोड़ है दोनों के रिश्तों में। तो ये बता रहे हैं जैसे 1988 में जब राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा पर गए थे, तो जो चीन और भारत के बीच में एक जो है 1962 युद्ध के बाद जो काफ़ी तनाव था, एक जो लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, तो 1988 में जब राजीव गांधी यात्रा पर जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा सा वार्तालाप स्टार्ट हुआ था और रिश्तों में सुधार आया था। लेकिन अब ये एक दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, दूसरा मोड़ का बिंदु है जहाँ पर रिश्ते दिख रहे हैं काफ़ी बिगड़ते हुए, ये चीज़ें बताई जा रही है। अब बता रहे हैं एक चीज़ और ये कि हमको एक कदम और जो लेना चाहिए कि जो 5G ऑक्शनिंग होगी, जैसे 4G टेक्नोलॉजी अभी हम यूज करते हैं इंटरनेट में, तो अभी जो 5G के लिए हम आगे टेक्नोलॉजी लेने जा रहे हैं, तो चाइना की एक हुवेई कंपनी है जो उस 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ट्रेड रिलेशन हमें नहीं ख़त्म करने चाहिए, लेकिन 5G तकनीकी में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि चाइना की हुवेई कंपनी ना आने पाए। क्यों ना आने पाए? देखिए, पहली बात तो उसे पैसे का नुकसान होगा, तो सही ही बात है। दूसरी बात यह है कि 5G इंटरनेट अगर हुवेई के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम प्रयोग करेंगे, तो इंटरनेट आजकल इतना बड़ा माध्यम हो चुका है कि हमारे यहाँ का डाटा चाइना के पास रहेगा और इससे चाइना हमारा मिसयूज कर सकता है हमारे डाटा को, ये चीज़ें बताई जा रही है। और भी बताया जा रहा है ये कि जो 1988 के बाद ये दूसरा मोड़ बिंदु आया है भारत चीन रिश्तों में, और जो अभी काफ़ी ख़राब है और भविष्य में भी काफ़ी ख़राब होने की संभावना दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताया इन्होंने कि इस जो ये घटना हुई, इससे ये तो नहीं दिखता है कि चाइना ने क्या पाया, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अब इंडिया का विश्वास चाइना ने पूर्ण तरीके से खो दिया है। तो ये इस इंटरव्यू में गौतम बांबावाले ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम देखेंगे, अब अगली एक न्यूज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है इवन गोल्डन लंगूर सफर्ड फॉर फोर्स्ड एबॉर्शन इन्फेंटिसाइड। तो एक जो है गोल्डन लंगूर प्रजाति क्या है, तो देखिए किसी जानवर संबंधी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं IUCN में इसी कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति में रखा जाता है गोल्डन लंगूर। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये भी जो है आपके इनके क्या क्या खतरे हैं बताए जा रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स है उसमें लड़ जाते हैं, या फिर जो चीज़ें हैं मतलब इनको भोजन की आवश्यकता कम पड़ जाती है, ये सब चीज़, और ह्यूमन चैलेंज जो है, ये सब चीज़ें इनको क्या क्या चुनौतियाँ हैं। और बताया जा रहा है इनकी जैसे जनसंख्या क्यों कम हो रही है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। और एक कारण बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कोई फीमेल लंगूर है,
तो उसका अगर कोई वो प्रेग्नेंट है किसी मेल लंगूर के उससे, लेकिन अगर उसका मेल पार्टनर चेंज हो जाता है तो वो मेल पार्टनर एबोर्शन करता है या फिर इन्फेंटिसाइड यानी उस बच्चे को जो फीमेल लंगूर के पेट में बच्चा रहता है उसको मार डालता है। तो इससे भी जनसंख्या में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो जो संकटग्रस्त सूची में है इसको निकालने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। योग किस मंत्रालय के अधीन आता है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। एनजीटी किन मामलों की सुनवाई करती है? पर्यावरण, खेल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस लीक मामले में कौन सा वन क्षेत्र संबंधित है? काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी या उपर्युक्त सभी। गोल्डन लंगूर IUCN की किस श्रेणी में आता है? संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सुभेद यानी वल्नरेबल, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ द एबव। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी 22 जून की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।